राम राम भाई, सारे भाई में आपका भाई सुंदर दिनोदी और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों फिलहाल भाई दिनोद में हाँ और दिनोद में भाई अपना भाई है धर्मवीर सिंह शेखावत आज रिटायरमेंट आया है और उसका सम्मान समारोह कराया गया है और गांव के भी मौजूद लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और बाहर तभी भाई जो कि अधिकारी हैं जो आ रहे हैं तो बात कराएंगे। आज राम राम जी, क्या नाम है जी? रण सिंह, सरदार रण सिंह जी। कहाँ से? सतनाली के पास जुड़वा है जी। तो आज सम्मान समारोह में आए, कितनी खुशी है जी, क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी है, इससे बड़ा और क्या, दुनिया को बहुत कुछ सोच सीखने को मिलता है यहाँ जी और बहुत अच्छा है। इतना फौजी आदमियों को सम्मान मिलता है, सराहनीय है जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है? हौलदार हेमंत सिंह। कहाँ से? अजमेर जिला, राजस्थान से। राजस्थान से, तो आज राजस्थान से हरियाणा में आके और कितनी खुशी मिली है आज जो सम्मान समारोह में आए? सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि आज 28 साल सर्विस करके सही सलामत आदमी घर पे आ जाता है, इससे बड़ी और क्या खुशी है। ये एक सेकंड जीवन है इंडियन आर्मी का, जो जवान सोल्जर जो सही सलामत पेंशन आता है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सेकंड जीवन है। इतने तो बच्चों की लाइफ जीते थे, अब गांव की लाइफ है, समाज की लाइफ है, इतने देश सेवा किए, अभी वो समाज सेवा में है और अच्छा भाग्यशाली थे जो आज से सलामत अपने घर पे आए। धन्यवाद। नमस्कार सर, पहले तो अपना नाम बताइए। और कैप्टन सुरेश तांवर, सेवन राजरीफ से जी। सर आज धर्मवीर साहब आए हैं, पूरा रैंक ले करके आए हैं, फौज में बड़ी बहादुरी से नौकरी की इन्होंने, सभी रैंकों में जो है ना ये रहे, सिपाही से लेके और सुबेदार ऑनरी कैप्टन तक जो है ना बने हैं। ये बहुत अच्छा जो है इनका कैरियर रहा, पूरी फौज में इन्होंने बड़ा ईमानदारी से, साहस से, खेलों में, गेम में, सेना में बहुत बहादुरी का काम। एक बार ऐसा समय आया था कि पाकिस्तान की फौजियों ने हमारे कुछ सैनिकों को मार दिया था, उसके बदले में एक कमांडो टीम बनाई गई बदला लेने के लिए, उसका सिर उतारने वाले ये भी थे, अपने पिट्ठू में जो है ना पाकिस्तानी सैनिकों का सिर उतार के लेके आए थे लड़के, बड़े बहादुरी के काम किए हुए हैं। राजपूत पत्नी सभा से सम्मानित हैं और इनके ससुर हैं जो भूप सिंह जी, ठाकुर भूप सिंह और मैं, वो मेरे मामा जी भी लगते हैं और हम दोनों साथ रहे हुए हैं, साथ पढ़ते थे और वो मेरे से थोड़े छोटे हैं, बस ज़्यादा उम्र में छोटे नहीं है, इनके फादर इन लॉ लगते हैं और हमारी दोनों की दोस्ती है, प्रेम है, बड़ा अच्छा लगता है। बहन है ये हमारी, भाई मम्मा की लड़की है, इनके लिए, इनके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी इन्होंने जो है ना अपनी बेटी का भी रिश्ता जो है हमारे परिवार में हमारे पोते से ही किया है, वो एयरफोर्स में है, वो भी बढ़िया है, वो भी हमने करवाया। धन्यवाद। जो है मैं बात कराऊंगा धर्मवीर सिंह शेखावत, जो कि भाई एक रियल हीरो हैं। आपने फिल्मों में हीरो देखे होंगे लेकिन असलियत के जो हीरो हैं फौजी साहब ये हैं, जो कि भाई हमारी रक्षा करा हैं, बॉर्डर के ऊपर खड़े होके रक्षा करा हैं और पहले भी काफ़ी जो कि भाई मान सम्मान जो कि भाई को मिला है। तो आ जाओ इस साइड आ जाओ। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया सुंदर। और इस गांव ने इतना आदर सम्मान किया है मेरा, आप लोगों ने, इसको मैं बहुत ज़्यादा याद रखूँगा। पूरे गांव ने बहुत सम्मान किया है, साथ ही मेरे गुरुजी कप्तान सुमेर सिंह तंवर ये जयपुर से आए हैं और जो भी साहब यहाँ पे साथ में जो आ रहे थे वो सारे साहब जो कहाँ कहाँ से आए चल के, कोई अजमेर से आया है, दिल्ली से आया है, पलवल से, जैसे आप देख रहे थे काफ़ी दूर दूर से आए, जितने भी इनमें से 8 ऑनरेडी कप्तान हैं, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट साहब है, 3 सुबेदार मेजर हैं, 3 जी। और कारगिल टाइम पे साहब और हम साथ थे, उसी समय ही साहब का तो मेरे ऊपर इतना हाथ रहा है कि बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे मौका मिला वैसे वैसे हमने अपना काम किया और वही अभी परिवार सेट है, 28 साल पूरे करके और अपना घर पे आ गया हूँ मैं जी। मेरे फादर भी फौज में थे, 3-9 युद्ध लड़के आए पिताजी, आज वो स्वर्गवास में हैं और देख के खुश होते थे और बोलते थे बेटा नौकरी करना तो शेर की तरह करना, और साथ ही फिर हमारे को भी जो हमारे पूर्वज मिले जो
बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो पहले आपने देखा होगा साथ में बैठे हैं, तो इन्होंने बहुत हमारा आदर सम्मान किया है। इन्होंने बहुत लड़ना सिखाया हमारे, कैसे लड़ना है, कैसे दुश्मन की गर्दन मरोड़ना है, कैसे फायर करना है, कैसे क्या फौजी सब चीज़ें जी। तो आप किस टाइम जो है जॉब लगे थे, कौन से सन में? मैं 1 जनवरी 1 मार्च 1995 में जॉब लगा था, और 1 मार्च 1995 में तो डूबाई थी। हाँ जी, डूबा थी, मेरा घर यहाँ पे डूबा में था और मैं वहाँ पे ट्रेनिंग में था, कोई टेलीफोन का कोई साधन नहीं था, लेटर आते थे और वो 10-20 दिन उस टाइम तो लेटर भी नहीं आए थे, पता ही नहीं चल रहा था पीछे क्या हो रहा है। जहाँ पे थे अपने ट्रेनिंग में लीन थे उसके बारे में सोच रहे थे जी, जी। और अभी लेटेस्ट 2 साल पहले गलवान घाटी में चाइना के साथ था, उसी समय भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। पहला फ़ोन मेरा एक भी ना, और 27 दिन में मैंने घर पे बात की थी जब ये कारगिल लड़ाई थी उस समय, नहीं करेक्शन, गलवान घाटी में एक भी ना, और 27 दिन में मेरा पहला फ़ोन आया था। घर वाले भी देख के काफ़ी चिंतित थे और वहाँ भी सब कुछ, आज अपना बढ़िया काम करके और ऑलरेडी कप्तान से अपना भी ये जो सरे लेके मैं आ रहा हूँ। तो धर्मवीर भाई, मैं आपने गांव में बड़ा सम्मान मिला था, ग्राउंड में आपका प्रोग्राम भी कराया था, तो उसके बारे में बताओ क्या था, क्योंकि उस टाइम हम छोटे छोटे थे, बेरा कौन था, बस नू था अक भाई एक फौजी है और पाकिस्तान का जो है। मैं सुनो उसी के बारे में बताऊंगा, साहब मेरे साथ हैं, उसके जीते देखा हुआ जिन्होंने, ये साहब भी हैं इसमें 5-6। तो कारगिल के टाइम की बात है कि दुश्मन का पोस्ट था हमारे नज़दीक एक, तो उसके ऊपर हमने एक एक्शन किया था, रेड की कार्रवाई की थी, 19 ग्रेनेडर का, हमारा मेरी 3 ग्रेनेडर है, तो हमारे दोनों का एक साथ एक्शन था उसके अंदर। फिर हमने भाई जाके रेड की कार्रवाई की थी, उसके अंदर संतरी साइलेंस का मेरे को टास्क मिला था और मैंने उस संतरी साइलेंस का टास्क किया, और उसी में मेरे को वैलेंट्री अवार्ड मैं डिस्पैच से नवाजा गया, वो राष्ट्रपति अवार्ड मिला मेरे को, और उसके अभी भी मेरे को सरकार भी 30,000 रुपये हर साल आते हैं, बढ़ते रहते हैं। और उस समय भी गांव में DC कहीं मंत्री कहीं भिवानी में काफ़ी सम्मानित किया गया था मेरे को, बहुत सम्मान किया था जी। तो जब युद्ध है तो जैसे एक बार मैंने सुना भी है कि धर्मवीर ने यह बात कही, जिदा में लड़ा है ना तो बाबा दुनियाला हमारा साथ दे है। हाँ जी, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, जिस समय मेरे को आज भी वो याद है बात, जिस समय हम एक घातक प्लाटून को घातक में था, मैं घातक प्लाटून हमारी जैसे ही आगे इंट्री किया था, LOC को पार किया जैसे ही, पहले रेकी करके आए थे, रेकी करके आए, प्लान किया 3 दिन बाद, उसके बाद फिर हम पूरे खड़े वहाँ पे लाइन अप हो गए। उसके बाद मैं CO साहब ने ब्रीफ किया, GOC था हमारा TS पाठक, उसने ब्रीफ किया और बोला भी आप लोगों के पास में अपना भारत का कुछ नहीं होना चाहिए, और ऐसे ऐसे करके आप आगे की मतलब रेड की जो कार्रवाई थी वो रेड की कार्रवाई की, उनके 6 बंदों की कैजुअलिटी की उस समय हमने, उसके बाद फिर एक एक्शन किया, उसमें हम पूरी बॉडी उठा के लेके आए। तो इस टाइप की कार्रवाइयाँ उस समय पे होती रहती थी, काफ़ी हुआ था, हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ था, उनका भी हुआ था। सेकंड भी अरेंजमेंट के 2 बंदों की वो ले गए थे मुंडी काट के, उसका बदला हमने लिया था उसको करके जी, जी, जी। हाँ जी जी। तो आगे का क्या प्लान है फौजी साहब, अपने दर्शक सुन रहे? आगे का देखो, जो भी गाम राम है बहुत बड़ा है, और मेरे से जितना हो सकेगा मैं गाम राम के लिए जो भी मेरी मदद होगी कैसी भी किसी भी साइड से मैं करूँगा, बिल्कुल निस्वार्थ जैसी जो भी हेल्प हुई मैं करूँगा, और बच्चों को फौज के लिए तैयार करूँगा, उनसे प्रैक्टिस करवाऊँगा, मेहनत करवाऊँगा, उनको गाइड करूँगा और उनको मोटिवेट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत भाई सुंदर, आप यूं ही मतलब जहाँ जहाँ भी ऐसे खास करके जो भी न्यूज चैनल आते हैं, खासकर आप मतलब भारत माता के प्रति इतना समर्पित हो रखे हो, फौज के लिए आपका मतलब पूरी इंडिया के अंदर न्यूज चैनल इतना स्पीड से इतना ज़ोरों से है, ऐसे ही चलते रहे तो मेरे को संदेह नहीं कि कुछ टाइम में आप मतलब ये हमारा स्टार न्यूज चैनल जो है एक बहुत ही जल्दी देखना भारत का नंबर 1 चैनल हो जाएगा। ये पहले हरियाणा में था, अब ये नेशनल में भी जा चुका है, हम जहाँ जहाँ अभी बॉर्डर पे भी थे, बाहर राजस्थान में थे, अभी फिरोजपुर से मैं हूँ यूनिट में था, अभी जबलपुर में से मैं पोस्ट है, तो आपका चैनल हम देखते रहते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। ओके भाई, तो थोड़े पीछे हो जाओ। तो हमारे गाँव के धर्मवीर सिंह शेखावत, उनके गुरुजी हैं, बात करांगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है?
मेरा नाम कैप्टन सुमेर सिंह तावर, मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से? जयपुर, प्रॉपर जयपुर। वैसे मेरा नेटिव प्लेस जो है झुंझुनू गांव बुआना है। अच्छा अच्छा। और मैं अभी सेटल जो है जयपुर के अंदर हूँ। अच्छा। तकरीबन 5-6 साल से। अच्छा, तो आप बाहर जिस तरह नौकरी करो तो राजस्थानी भी बोल रहे हो जी? राजस्थान मतलब एक जैसे राजस्थान के हो आप, तो एक राजस्थानी भाषा हो है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भाषा में, क्योंकि एक राजस्थानी होने के नाते अपने आप को भाषा पे, अपनी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा कमांड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल मारवाड़ी के अंदर भी अपना काम चलाने के लिए, और हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी हो, हर लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी थोड़ी कमांड है, और मारवाड़ी में भी कोई मुझे शक नहीं है, क्योंकि मैं एक राजस्थान का, और खास करके राजस्थान के राजपूत कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ जी, और मुझे मारवाड़ी के ऊपर बहुत अच्छे से बिल्कुल, और मुझे मेरी शौक है, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है मारवाड़ी बोलते हुए जी। तो आज सम्मान समारोह के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज का सम्मान समारोह, ये एक इंडियन आर्मी का एक बहुत ही जांबाज सोल्जर था जी, और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि इस गाँव बस्ती का एक महान सपूत था, जिसने अपने 28 साल बड़े तन मन धन से, और जो एक सोल्जर जो जिसका एम होना चाहिए, जिसका टारगेट होना चाहिए, वो ये आदमी अपना प्रोफेशनल, यानी जिस काम के लिए फौजी जाता है भर्ती होकर के, उस काम के लिए इस जवान ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपना पूरा जो 28 साल का टाइम है, आज उसी की बदौलत इनको जो क्रेडिट मिला है वो उनकी मेहनत है जी। हर ऑपरेशन के अंदर मैंने इनको मेरी आंखों के सामने, ये मेरे सामने पोस्टिंग आए थे, और मेरे ही सामने मेरी सिखलाई के द्वारा आज इन्होंने हर फील्ड के अंदर जब जब पलटन को काम मिला, इनको हर एक काम जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम दिया, और इन्होंने बढ़ चढ़ करके और पूरी जान जोकर के, पूरा जज्बा इनके अंदर जो एक सोल्जर के अंदर होना चाहिए था वो इनके अंदर है जी। नेचर के साथ था इनका बहुत ही, इनका नेचर के बारे में मैं जो कहूँ उतना ही थोड़ा है, क्योंकि ये एक बहुत ही मिलनसार, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सभ्य और संस्कारी जवान था, जो संस्कार कहते हैं कि गांव से, परिवार से, और अपनी भारत माता से हमारे को जो मिलते हैं वो संस्कारों से भरा हुआ ये जवान था। इसका नेचर जितना पोलाइट, जितना ये मिलनसार आदमी था, आज उसी की बदौलत गाँव के अंदर इतनी इज्जत मिली है, और तकरीबन इनके नेचर की वजह से आज 5 स्टेट के जवान इनके प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, यानी हमारी पलटन के लगभग 4-5 स्टेट की जो फौज थी हमारे साथ नौकरी हुए, आज खुश होकर के इनके प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी। जी जी। तो इसमें पोस्ट कौन सी हो जी, कितना जो है स्टार्ट हो है, और फिर कितने जिस तरह के रहो है फौज की? ये जब शुरुआत होती है तो भर्ती दो तरह की होती है, एक नॉर्मल सिपाही या सैनिक सोल्जर जिसको बोलते हैं, और एक डायरेक्ट ऑफिसर जी। ये जवान जो भर्ती होकर के जाता है, उसके बाद में इसका प्रमोशन सीरीज होती है, पहले उल्लास नायक बनता है, फिर नायक बनता है, फिर हवलदार बनता है, फिर नायब सूबेदार बनता है, फिर सूबेदार बनता है, और सूबेदार, उसके बाद में सूबेदार मेजर बनते हुए लास्ट में उसको एक सम्मानित रैंक दिया जाता है जो कि ऑनरी कैप्टन होता है जी। जी जी। अच्छा, ड्यूटी की कै साल की हो जी फौज में? जिस रैंक से जवान नौकरी करता है, सपोज कि अगर वो हवलदार की रैंक से आ रहा है तो उसको 24 यानी 24 साल नौकरी करनी पड़ेगी जी। अगर सूबेदार की नौकरी करता है तो उसको 28 ईयर। अच्छा। इसलिए हर रैंक की नौकरी अलग अलग होती है। अलग अलग है। यस जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी जो आप यहाँ पे आए और इतना मान सम्मान दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपका चैनल ने इतना बढ़ चढ़ करके एक जवान का हौसला अफजाई किया, और हमारे को उम्मीद है, स्पेशली मुझे यकीन है कि आप इसी तरीके से जो भी जवान सेना से अपना काम करके आते हैं उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि इंडियन आर्मी के लिए जो आने वाली जो पीढ़ी है वो तैयार रहे जी। और अपना बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे सके जी। तो सर कुछ फौजी हैं उनका ग्रुप भी बना रखे है, और मैं भी उनसे जुड़ रहा हूँ, जैसे कि मदद एकता संगठन है, उसमें फौजी जुड़ रहे हैं, सुशील भाई हैं जो बनभोरी गाँव से हैं, तो वे देश सेवा के साथ साथ में एक समाज सेवा भी करने लग रहे हैं, जैसे गरीब परिवार हो गया उनते अनाज पहुँचाना, या फिर शादी है गरीब परिवार की बेटी की उसमें जैसे दान देव हैं, और एक ग्रुप है हम हैं देश के रक्षक, उसमें राजेश कमांडो भाई हैं, और एक है फौजी भाईचारा ग्रुप, सचिन फौजी हैं, उन वे भी मतलब काफ़ी बढ़ चढ़ के जैसे कि जो शादी हो है उनमें जैसे मदद कर रहे हैं, या गरीब परिवार की, या फिर कोई खिलाड़ी है उनकी मदद कर रहे हैं, तो इन तीनों ग्रुपा के लिए, इन तीनों भाइयों के लिए, पूरे फौजी भाइयों के लिए उन ग्रुप तक जुड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे उनसे? देखिए, सबसे पहले इंडियन आर्मी का जो सोल्जर होता है उसको ये उनके जहन में भर दिया जाता है कि उसके अंदर देश सेवा कूट कूट के भरी होती है, यानी जब बाहरी देशों के साथ लड़ाई का मौका मिलता है वो तैयार रहते हैं, उनको किसी भी देश के ऊपर आई हुई आपदा से लड़ने के लिए वो तैयार रहता रखा जाता है। साथ ही साथ बहुत ही वॉलंटियर और जो स्वयं सेवक
जवान होते हैं जो कि देश सेवा के साथ साथ समाज सेवा के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जैसा कि आपने बताया जी। ये जवान अपना एक्स्ट्रा योगदान दे रहे हैं समाज को, जो कि एक बहुत बड़ी बात है जी। और मैं उन जवानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा और ऐसे ही जवान रहें जो कि देश सेवा के साथ साथ अपने समाज की भी सेवा करें, जो भी जहाँ पे भी जरूरत पड़े अपना बढ़ चढ़ के अपना योगदान करें। धन्यवाद जी। ओके जी। तो खादे भाई कैमरामैन से कहूँगा, हमारे गांव के जो कि धर्मवीर शेखावत भाई, जो कि भाई बहुत ही अच्छा जो है नेचर है भाई का, जड़ा भी जैसे चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सारे ने राम राम करा है भाई, हाथ मिला है तो बड़ा मिलनसार है भाई। तो आज भाई जो कि है भाई 28 साल बाद ड्यूटी तो रिटायर आए हैं, तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो, और भी वीडियो अपने दिखाते रहेंगे बनाते रहेंगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।